बलौदा बाजार जिला के पलारी थाना प्रभारी सीआर चंद्रा पर महिला और उसके दो मासूम बच्चों को थाने में पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने थानेदार पर आरोप लगाया है कि रिश्वत नहीं देने पर उसके साथ मारपीट कर शौचालय की साफ कराई गई। इस आरोप से भड़के पीड़ित के परिजन और सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल सांवरा डेरा में रहने वाली महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन घर से नाराज होकर गई बेटी वापस घर आ गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया और मेडिकल टेस्ट कराने का दबाव बनाने लगा। फिर आरोप है कि थानेदार सीआर चंद्रा ने केस खत्म करने के लिए 20,000 रुपए मांग की और जबरन थाने में बिठा कर रखा। वकील चंचला चौबे को जब इस बात का पता चला तो उसने माँ बेटी को थाने से छुड़वाया, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस ने फिर से पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को उठा लिया और उन्हें छुड़ाने आई उसकी माँ के साथ मारपीट की। घटना से गुस्साए लोगों ने पहले थाने का घेराव किया। बलौदा बाजार से डीएसपी मौके पहुंचे और किसी तरह मामला शांत हुआ। फिर दूसरे दिन थानेदार पर कार्रवाई की मांग करते हुए ग्रामीण फिर से बलौदा बाजार पहुंच गए। वहां एडिशनल एसपी ने मामले में जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।